मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अपन सेक्शन स्टार्ट करें, ये है इडियम्स। और इडियम्स हर एग्ज़ाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एसएससी हो गया, एयरफोर्स हो गया, पटवार हो गया, नेवी हो गया। नेवी के तो जस्ट अभी एग्ज़ाम ख़त्म ही हुए हैं, पर नेक्स्ट टाइम ये काम आएंगे। एयरफोर्स के एग्ज़ाम मार्च में है, एसएससी के एग्ज़ाम मार्च में है, सीजीएल मान लो आप, चाहे 10+2 मान लो, ये सीपीओ के हिसाब से, एसएससी एमटीएस के हिसाब से, या अपन मान लेते हैं पटवार जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ये हाई कोर्ट के हिसाब से, और डी ग्रुप के एग्ज़ाम पास में आने वाले हैं। तो ये एसएससी के हिसाब से, एयरफोर्स के हिसाब से, नेवी के हिसाब से, पटवार, सी ग्रुप, डी ग्रुप, हाई कोर्ट, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक्चुअली एसएससी में अपन को थोड़ा जो पढ़ाई का दायरा है वो एक्चुअली थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर अपन एसएससी के किसी भी कैटेगरी की बात करें, चाहे आप सीजीएल की, सीपीओ या 10+2 एसएससी एमटीएस, एसएससी में कम से कम मैं मानता हूँ आपको 1200 से 1600 के इडियम्स आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि कभी बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं, कभी क्वेश्चंस काफ़ी घुमा के आते हैं। पर एसएससी का लेवल काफ़ी, दायरा जो है लेवल काफ़ी हाई है, दायरा थोड़ा लंबा है। एयरफोर्स और नेवी का दायरा सेम है, इसमें अपन को कम से कम ये मान लो 350 के बीच में, एन एवरेज 400 मान लो आपको करने चाहिए। पटवार की बात करें तो 350-400 लगभग, सी ग्रुप, डी ग्रुप, पटवार तीनों का लेवल सेम है, क्योंकि तीनों राजस्थान की वैकेंसी है, इनका लेवल सेम है। ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप किसी भी, जो मैंने एग्जाम्स अभी तक आप बोले, आप किसी का भी रिटर्न दोगे कि अपन जो ईडियम्स यहाँ पे कर रहे हैं आपके, इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत रेयर चांस है कुछ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने समय से जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप किसी भी एग्जाम्स में जाएंगे आपको काम आएंगे। अभी जो ये वीडियो अपन बना रहे हैं, जो फर्स्ट वीडियो है ये ईडियम्स का, इसमें आपको ये जो वीडियो, ये सारी वैकेंसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के जब अपन मान लो 350-400 क्रॉस कर लेंगे तो मैं एसएससी लेवल को, एसएससी बच्चों को सजेस्ट करूँ उसको फॉलो करें। अभी जो है ये मोस्ट, मैं इसमें पार्ट सेक्शन हम डिवाइड कर लेंगे, पार्ट वन है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सी ग्रुप में, सीजल में, चाहे डी ग्रुप में, चाहे एयरफोर्स, नेवी, पटवार, सबके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब अपन 400-350 क्रॉस कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि जो पटवार है या एयरफोर्स है, नेवी का एग्जाम अभी जस्ट गया ही है, सी ग्रुप है, डी ग्रुप है, तो ये लोग वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये अगर इतना लंबा चौड़ा पढ़ेंगे उसमें से आएगा नहीं। लेकिन फिलहाल जो मैं मानता हूँ 300-400 तक आपको साथ साथ रहना, इसमें मैं पार्ट सेक्शंस डिवाइड कर दूंगा। और जो सिर्फ एसएससी के लेंगे 400 के बाद, तो मैं उसमें सजेस्ट करूंगा सिर्फ जो एसएससी की तैयारी करे उसी को फॉलो करे, अदरवाइज। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है जो मैं आपको अभी 300-400 के बीच में करूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं हर साल आपको दिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है ये है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि बाय मिस्टेक या ना चाहते हुए गलती से कोई राज की बात को किसी को बता देना। मान लो कि अपने फ्रेंड्स के बीच में आप बैठे हो और बातों में एकदम आप बिल्कुल खो गए हो या बिल्कुल इमोशनल हो गए और आपको लगता है कि अरे ये बहुत बड़ी बात थी लेकिन आपने गलती से बोल दिया। तो कोई भी ऐसा सीक्रेट या कोई भी ऐसी राज की बात जो गलती से अपन किसी को बता दे, इंटेंशनली या जानबूझ के नहीं। एट स्टोन थ्रो का एग्जैक्टली मतलब होता है कोई चीज़ शॉर्ट डिस्टेंस में। मान लो दो चीज़ों के बीच की दूरी बहुत कम है तो अपन कह सकते हैं यार ये तो बिल्कुल स्टेन थ्रो की दूरी पर है, मतलब बहुत ही क्लोज है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में, ज़्यादा गैप नहीं है। जैसे कि मान लो आपने कहा कि यार यहाँ से मेरी स्कूल जो है या मेरा कॉलेज है काफ़ी क्लोज है, ये कोई ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस है, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है। तो कोई भी दो चीज़ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा लंबा ना हो के शॉर्ट होना। पे थ्रू नोज का एग्जैक्टली मतलब होता है कि किसी चीज़ की कीमत उसकी एग्जैक्टली कीमत या उसकी वैल्यू से ज़्यादा कर देना। जैसे मान लो आप कुछ खरीदने लाए, आपको लगा ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, मान लो आप कहीं पे घूमने गए, आप वहाँ से कुछ लेके आना चाहते हो, जब आप वहाँ पे खरीदे जो लोकल मार्केट में है, आपको खुद को लगता है इसकी यार इसकी वैल्यू मान लो एग्जाम्पल के लिए कि 50 रुपये होने चाहिए, लेकिन जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो मान लो उसको कहता है कि ये 200 रुपये का है, तो आपको खुद को लगता है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मान लो आप खरीद लेते हो या नहीं खरीदते जो भी है। तो किसी चीज़ को खरीदना उसकी जो मूल रूप जो उसकी प्राइस है उसकी कीमत है उससे ज़्यादा कीमत पे, तो अपन कह सकते हैं किसी को कॉस्टली खरीदना, किसी को ज़्यादा कीमत पे खरीदना जो वो डिज़र्व नहीं करती, मतलब जिसकी कीमत उतनी नहीं है उससे ज़्यादा किसको खरीद लेना। लीप्स एंड बाउंड्स का एग्जैक्टली मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही तेज, मान लो कोई गाड़ी है जिसने किसी को हिट किया, अपन कह सकते हैं अरे वो गाड़ी इतनी तेज थी, मतलब लीप्स एंड बाउंड्स पे थी। मान लो कोई घोड़ा है किसी की रेस है, मान लो कोई तूफान आया है, तो किसी भी चीज़ का पेस मतलब उसकी पावर, उसकी जो चलने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज होना। एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, इसका एग्जैक्टली मतलब होता है कि कोई चीज़ अचानक हो जाना, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ आपको दिख जाना, अपियर हो जाना,
या अचानक कोई घटना घट जाना विदाउट प्लानिंग या आपको एग्जैक्टली उसका बिल्कुल आइडिया ना हो, तो अपन नॉर्मली कह सकते हैं किसी चीज़ का अचानक हो जाना। नेक्स्ट एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब होता है कोई इंसान या कोई चीज़ जिसके बारे में सबको पता ना हो, इसमें ऐसा कोई भी सीक्रेट या ऐसा कोई राज नहीं है जो लोगों को पता ना हो। अपन कह सकते हैं, मान लो अपन ने कई बार सुना होगा या अपन देखते हैं, अपन खुद कहते हैं यार मेरी जो जिंदगी है या मेरी जो पर्सनैलिटी बिल्कुल ओपन बुक है, मतलब आप एग्जैक्टली बिल्कुल वही हैं और आपके बारे में सबको पता है, आपका ऐसा कोई भी राज या सीक्रेट नहीं है जो लोगों से छुपा हुआ हो। तो किसी जिंदगी या किसी के बारे में सबको पता होना खुली किताब की तरह। नेक्स्ट है टू कैच अप विथ। कैच अप विथ का मतलब होता है कि आप किसी स्टैंडर्ड या दर्जे को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके बराबर रहने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हो। मतलब कोई चीज़ है जिसका बराबर रहना चाहते हैं, मान लो कि आपका फ्रेंड है जो एग्ज़ाम से बहुत अच्छे नंबर लाता है, आप उसके बराबर लाना चाहते हो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में, जब भी आपकी क्लास में या ऑनलाइन जब भी आप कोई टेस्ट देते हो तो आप भी चाहते हो कि मैं उसके बराबर लेवल पे रहूं। तो इसका एग्जैक्टली मतलब होता है किसी स्टैंडर्ड या दर्जे को प्राप्त करने के लिए अपनी स्पीड को बनाए रखना, उसके साथ रहना, उसके बराबर रहना। क्लोज शेव, ये लेटेस्ट एग्जाम्स में आ रखे। क्लोज शेव का एग्जैक्टली मतलब होता है किसी का बाल बाल बचना। बाल बाल बचना नहीं, बाल उड़ गए, मतलब ऑलमोस्ट मान लो कोई आपका फ्रेंड है, आप कह रहे हैं कल इसका एक्सीडेंट हो जाता, बाल बाल बच गए, गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज चला रहा था, या कोई आपका छोटा भाई दौड़ रहा था, आपने कहा यार तू बार बार बच गया वरना तो गिर जाता। तो किसी का बिल्कुल क्लोज शेव का एग्जैक्टली मतलब होता है किसी का बाल बाल बचना मुसीबत में फंसने से, किसी एक्सीडेंट होने से, किसी भी चीज़ का जस्ट बहुत करीबी या बहुत माइनर प्रॉब्लम से एट वंस विट एंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका एग्जैक्टली मतलब होता है एट वंस विट एंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका एग्जैक्टली मतलब होता है कि आप निर्णय नहीं ले पाना, कन्फ्यूज हो जाना, पजल हो जाना, किसी बात को नहीं सोच पाना, आपको एग्जैक्टली क्या करना है उसके बारे में डिसीजन नहीं ले पाना, बिल्कुल कन्फ्यूज टाइप, चारों तरफ आपको कोई रास्ता ना दिखना। शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का एग्जैक्टली मतलब होता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई डील कर रहे हो या आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें चीटिंग करना, कोई भी पैसा बेईमानी से कमाना, डिसऑनेस्टी कमाना, किसी को धोखा देना, किसी पैसा लेके भाग जाना, तो बिल्कुल शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है ऑनेस्टी से कोई काम नहीं करना। टर्नर डेफ ईयर का एग्जैक्टली मतलब होता है कि आप किसी की रिक्वेस्ट या किसी बात को बिल्कुल इग्नोर करना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। कोई मान लो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आपसे विनती कर रहा है, आप उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, आप उसकी रिक्वेस्ट को, उसकी जो एग्जैक्टली बात है उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको सुन नहीं रहे, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। क्विंग प्लेसेस का मतलब होता है कि सक्सेस आपको मिलने लग जाना, मतलब सक्सेस का, आपके एम का, आपको टारगेट का, उसको प्राप्त हो जाना, आपको लाइफ में सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाना, तो जिससे क्या होता है, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो कुल मिला के इसका बेसिक सा होता है कि किसी को सफलता प्राप्त होने लग जाना। हैंग ऑफ का एग्जैक्टली मतलब होता है किसी को नौकरी से निकाल देना, किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना, किसी का काम से निकल जाना। टर्न अनऑनेस्ट लिविंग। टर्न अनऑनेस्ट लिविंग का मतलब होता है कोई बिजनेस कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, काम को उसको पूरी ईमानदारी से करना, उसको पूरे दिल से करना और उसको ईमानदारी से कंप्लीट करना। शेक इन शूज़, इसका एग्जैक्टली मतलब होता है किसी का नर्वस होना, डरे हुए होना, अफ्रेड होना, किसी बात को डरे हुए कहना। कुल मिला के आप नर्वस हो, चिंतित हो, आप डरे हुए हो, किसी बात को आपके दिमाग में, उसने जहन में आपको डाल रखा है जिससे आप एग्जैक्टली कुछ सोच नहीं पा रहे हो। लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का एग्जैक्टली मतलब होता है कि किसी को कमज़ोर मानना, अपने आप से हीन मानना, अपने आप को श्रेष्ठ मानना है, किसी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करना, दूसरों को कभी किसी को अहमियत नहीं देना, रिस्पेक्ट नहीं देना, आदर नहीं देना। हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट का एग्जैक्टली मतलब होता है कि कोई भी चीज़ फिक्स है या जिसको बदला नहीं जा सकता, अपन कहते हैं ना ये जो रूल्स हैं यहाँ पे, जो नियम है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट है, मतलब इनको अपन चेंज नहीं कर सकते, इनको बदला नहीं जा सकता, तो वी हैव टू फॉलो इट, तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, ये अपने हिसाब से चेंज नहीं होगा। टॉकिंग थ्रू हेड। टॉकिंग थ्रू हेड का एग्जैक्टली मतलब होता है कि कोई आप जो बात करो उसकी कोई अहमियत नहीं है, रबी शेव फालतू बकवास है, कोई ऐसी बात करने से कोई अहमियत नहीं हो, यूजलेस हो, सेंसलेस हो, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, आगे चल कर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, तो ऐसी कोई भी बात जिसकी कोई अहमियत नहीं हो, जिसका कोई एग्जैक्टली बेस नहीं हो। टू बी ऑलवेज वंस बैक का एग्जैक्टली मतलब होता है कि आप हमेशा किसी ना किसी बात को मानने के लिए तैयार रहते हो, मतलब अपना कोई निर्णय या डिसीजन नहीं ले पाना, हमेशा लोगों के हिसाब से चलना, दूसरों को फॉलो करना, अपना कोई खुद का कोई डिसीजन या खुद की कोई सोच नहीं रख पाना, हमेशा दूसरों को फॉलो करना, दूसरों के हिसाब से चलना। आउट एंड आउट का मतलब होता है किसी का पूरा हो जाना, कम्प्लीटली पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। लॉगिंग अ डेड ऑड्स, इसका एग्जैक्टली मतलब होता है अपना समय वेस्ट करना, आप जो भी काम कर रहे हो उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई भाई
इस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपके सिस्टर को इस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे, जॉब कर रहे हैं, इसको बना से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, आखिर में अपने को जो भी तू मेहनत कर रहा है कर रही है इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई भी काम करना जो यूज़लेस हो आगे चल के इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्योंकि अगर मान लो किसी घोड़े की डेथ हो गई, अगर आप उसको मारोगे चाबुक से, उसको चलाने या दौड़ाने की कोशिश करोगे, इम्पॉसिबल है। तो ऐसा कोई भी काम करने से कोई बेनिफिट नहीं होना जो आपको लगता हो कि आगे चल के इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए अपन इसको यूज़ में लाते हैं। फेल अफाउल ऑफ का एग्जैक्टली मतलब होता है कि किसी के द्वारा आपको डिसलाइक ना पसंद करना, क्योंकि आप उससे किसी बहस में पड़े या आपसे उससे कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ या कोई भी इश्यू हुआ जिससे आपकी उसकी उसके आगे आपके एक दूसरे की इमेज गिर जाना। तो किसी का भी डिसलाइक होना मतलब किसी का नापसंद होना, क्योंकि कोई आपके साथ उससे कोई छोटी मोटी बात में मुटाव हो जाना जिससे आपस में आप एक दूसरे को डिसलाइक करें, नापसंद करें।